हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दोस्तों बरहज में, और आज हम दिखाने वाले हैं दोस्तों कवि मोती बी ए जी का पैतृक निवास स्थान। दोस्तों, बरहज का इतिहास तो आप लोग को पता ही है दोस्तों, कितना पुराना है। यहाँ पे औद्योगिक का क्षेत्र था बरहज, यहाँ पे बहुत सारे महापुरुष जन्म लिए अपने जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों कवि मोती बी ए जी का घर। दोस्तों, अभी हम आए हैं दोस्तों उनके 104 जयंती के शुभ अवसर पे, यानी कि उनके जन्म उत्सव पे हम आए हुए हैं। अभी तो इस दुनिया में नहीं है, तो चलिए उनका घर दिखाते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो बने रहिए वीडियो क्लास। तो दोस्तों, ये है बरहज की गलियां, देख सकते हैं दोस्तों, बरहज का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। और ये है दोस्तों कवि मोती बी ए जी का पैतृक निवास स्थान, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है उनका मकान। दोस्तों, ये कई फिल्मों में, कई मूवी में जो है अपनी कहानियाँ लिख चुके हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताएँगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, संपादक न्यूज चैनल, और यहाँ पे कवि मोती बी ए जी के बारे में कुछ कविताएं और जिक्र किया गया है उनके जीवन के बारे में, देख सकते हैं दोस्तों। फिल्मों के बारे में भी बहुत सारे बातें लिखी गई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और अभी हम लोग आए थे कार्यक्रम में, तो अभी यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हुआ है, तो उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यह है उनका। हम लोग जानना चाहेंगे कवि मोती बी ए जी के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देवरिया के लोग जो अभी के समय में नहीं जानते हैं, इनके बारे में बताइए। इनके कई आयाम रहे हैं, एक और तो अपना थोड़ा नाम बता दीजिए आप। हमारा नाम अंजनी कौर उपाध्याय है, मैं उनका सबसे छोटा पुत्र हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और रही बात उनके बारे में, तो उनके कई आयाम है। पहला तो ये कि वह जो है, जब देश गुलाम था तो उस समय पत्रकारिता करते थे, यानी कि सहायक संपादक थे आज आर्यावर्त संसार अग्रगामी में जी जी। और उसमें निष्पक्ष लिखने की वजह से, अंग्रेजों के खिलाफ लिखने की वजह से वो जेल गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनको घोषित नहीं किया गया, इस नाते कि उनके सर्टिफिकेट पर कुछ गलत सही लिख दिया गया, लिखा गया कि इनको सज़ा मिली है, ये छूटे हैं लेकिन पकड़े नहीं गए हैं, बेवकूफ़ी पूर्ण बातें। तो मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 10 लोगों के साथ पकड़े गए, और 10 लोग उनके मित्र रहे हैं संग्राम सेनानी जो है पुराने जमाने के। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, 42 से लेकर 52 तक के दशक में इनकी कई फिल्में, लगभग 50 फिल्में आईं। अच्छा, 50 फिल्मों में। हाँ, अब सब रिकॉर्ड मिलता नहीं, 30-35 का रिकॉर्ड तो ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मूवी, और यहाँ पे वहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके साथ कौन कौन लोग संगीत दें इनके फिल्मों पर, इनके फिल्मों पर संगीत दिया है। जैसे लिखा है, संगीतकारों में नाम है मास्टर अमरनाथ, एस एन त्रिपाठी, सी रामचंद, बुलो सी रानी, सोनी कोमी, शंकर अभ्यास, खेमचंद प्रकाश, हुसनाल भगत राम, बसंत देसाई, हंसराज बहला, ईश्वर राय, हिरण बोस, नीनू मजुमदार, अजीज खान, चांद परदेसी, सब तमाम नाम है। और यहाँ पे इन्होंने इतने फिल्मों में, ये फिल्म से रिलेटेड कब से ये इन्होंने? 1942 से 1952 तक। अच्छा, 1942 से इन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया जो अपनी रचना है, जो गीतकार थे उसमें गीतकार थे। अच्छा, गीतकार ही। गीतकार ही थे, गाने लिखते थे, और एक फिल्म में उन्होंने संवाद भी लिखा था। अच्छा, वह था निर्मल में जी। और एक फिल्म में डायरेक्शन भी किया था, वह था खिड़की, जिसमें गाना था कि ये हो सवरिया जी, हो बजरिया, तो लो चुनरिया, खादी की जय, बोलो महात्मा गांधी की, पी एल संतोषी का, लेकिन संजोग से नाम नहीं मिल पाया, रिकॉर्ड उसका सब डाटा है हमारे पास। अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा, कई सर देहात के थे, छोड़ के चले जाते थे, लिख के चले जाते थे, पैसा मिल गया छोड़ के चले जाते थे। और सुनने में आता है कि भोजपुरी जो शब्द है, जो गाना है, उन्होंने ही सुनी थी। फिल्मों में भोजपुरी का प्रवेश इन्होंने दिलाया, भोजपुरी गाना, भोजपुरी जोहिरा का प्रवेश इन्होंने किया। भोजपुरी गाना नदिया के पार में इन्होंने शुरू किया था, 8 गीत थे, 7 गीत भोजपुरी थे उसमें। अच्छा, और उसमें दिलीप पर हीरो थे, कामनी कौशल हीरोइन थी, और राजपूत में जो है जसराज और सूर्या हीरोइन थे, और संगीतकार उसमें जो है हुसनलाल भगत राम थे एक गाने के लिए, बाकी में हंसराज बहल थे। तो वह जो है राजपूत में उनका जोगीरा था पहला, तो भोजपुरी जोगीरा, भोजपुरी गाने का सबसे प्रथम प्रयोग करने का इनका श्रेय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका नाम क्या था? अंजनी कुमार उपाध्याय। बी ए मोती बी ए जी का पैतृक निवास स्थान दिखा दीजिए घुमा करके, और जिन्होंने कई मूवी, कई फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे हैं, और अभी हम लोग आए थे उनके 104 जन्मदिन उत्सव पे, और दिखा दीजिए यहीं पे अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे मूवी का पोस्टर भी लगा है, जिस इतने फिल्मों में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और यहाँ पे तो ये था
कवि मोती बीएज का पैतृक निवास स्थान जो कि बरहज के एक छोटे से की कॉलोनी में स्थित है। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं बता दूँ भोजपुरी जो गाने कहा जाता है इन्होंने ही शुरुआत की और कई फिल्मों में कई मूवी में इन्होंने गाना लिखा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।